शहर से जोड़ने वाली सड़क पर हिचकोले खाती हुई कार के गांव में घुसने पर ये दीवार ही इस बात की तस्दीक करती है कि हम देश के केंद्रीय मंत्री के गोद लिए हुए गांव में हैं। लेकिन इस दीवार को पार कर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सांसदों को गांव गोद देने के मकसद को यहां कितना पानी मिला है। गांव में घुसते ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किए गए कार्यों के तौर पर पहली बिल्डिंग जो अपनी ओर खींचती है वो है पंचायत घर। दीवार पर स्प्लिट एसी, खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे और राउंड टेबल पर लगे हुए माइक, ये किसी महानगर के उच्चाधिकारी के दफ्तर से कम नजर नहीं आता। ग्राम पंचायत भवन की छत पर लगे हुए वाईफाई राउटर से पता चलता है कि पंचायत भवन को देश के किसी भी दूसरे दफ्तर से जोड़ा जा सकता है। पंचायत घर से कुछ दूर चलते ही आपको स्कूल का बोर्ड नजर आता है। स्कूल के साथ लिखा हुआ डिजिटल, यानी ऐसा स्कूल जिसमें गांव के बच्चे डिजिटल इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कंप्यूटर पर खेलती इन बच्चियों के चेहरे पर इस गांव के दूसरे गांवों से अलग होने की मुस्कान दिखाई देती है। चिनौर के इस डिजिटल स्कूल में गांव की वो तमाम छात्राएं कंप्यूटर से ड्राइंग सीख रही हैं, कंप्यूटर से पढ़ाई सीख रही हैं। ये बताओ क्या क्या सीखा है आपने ड्राइंग बना रही हैं? ड्राइंग सीखी है हमने, पढ़ना सीखा है हमने, सामाजिक विज्ञान सीखी है हमने। तो इसमें ड्राइंग में आप कंप्यूटर चला रही हो, कंप्यूटर में क्या क्या सीखा है? आप लोगों ने भी कुछ सीखा है? क्या सीखा? अच्छा तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का क्या क्या सीखा है? हमने ड्राइंग बनाना सीखा है और सेव करना सीखा है ड्राइंग को, और अभी हम नई नई आए हैं इसलिए इतना सीखा। अच्छा, अभी आप नई नई आई हैं। कुल मिला के जो बच्चे हैं, एक कंप्यूटर उनके लिए शौक है, धीरे धीरे अगर उनका इंटरेस्ट हो जाता है तो इसी कंप्यूटर पर बड़ी बड़ी फाइल बना सकती हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बना सकती हैं। और जो सपना देखा है सरकार ने डिजिटल स्कूल से भविष्य बनाने का, वो शायद इसी तरह पूरा हो सकता है। चिनौर ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर है। चिनौर दशकों से विकास से जैसे कोसों दूर खड़ा था, लेकिन सांसदों के एक एक गांव की जिम्मेदारी लेने के बाद इस गांव की जैसे किस्मत पर लगा ताला खुल गया। गांव में 3 मॉडल मिडिल स्कूल हैं, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज भी है। गांव को देखने के बाद डिजिटल इंडिया योजना में तो पूरे नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बदहाल सड़कें आदर्श गांव की छवि में सुराख करती हैं। लोगों का ये कहना है कि बेसिक ज़रूरत सड़क और पानी है, जो कि पूरा हुआ नहीं है। कई साल से यहां पर पानी की कमी है, और ये जिस मार्ग पर मैं अभी खड़ा हुआ हूं, ये आदर्श ग्राम का प्रमुख मार्ग है, जो कि कहीं टूटा है, कहीं फूटा है और पूरी तरह से बना भी नहीं है। नालियों से निकला हुआ पानी सड़क पे बीच में भर जाता है, और लोगों का कहना है कि बारिश में यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। गांव की जो लिंक, जो प्रमुख सड़कें हैं, जो लिंक सड़कें हैं, उनको सरपंच द्वारा सही नहीं किया गया। पानी नहीं, सड़क नालियाँ नहीं, पानी का निकास नहीं की, पानी का और क्या देखा है, रात और दिन पानी के लिए परेशान है आदमी। जिलाधीश के यहाँ पे शिकायत, और पंचायत से टैंकर भी डल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं डल रहा। पैसा भी आ गया टैंकरों के लिए, ऐसे पानी भी डाले, लेकिन कोई पानी की सुविधा नहीं है गांव। गांव वालों की नाराजगी पर सांसद नरेंद्र तोमर का कहना है कि गोद लेने का मतलब स्वर्ग बनाना नहीं होता। आदर्श गांव के रूप में का मतलब ये नहीं है कि गांव एकदम स्वर्ग हो जाएगा। गांव में लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन चिनौर गाँव हमने आदर्श गाँव के रूप में गोद लिया था, तो आज आप देखते हैं चिनौर गाँव में डिलीवरी हो जाती है। चिनौर गांव के बहु बेटियों को ग्वालियर डिलीवरी के लिए आने की ज़रूरत नहीं रहती। छोटा मोटा इलाज सारा का सारा वहीं हो जाता है। शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। गांव में वाइब्रेंट कनेक्टिविटी भी हम लोगों ने बढ़ाई है। गांव में कुछ सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है, कुछ पर अभी काम प्रस्तावित है। जाहिर है चिनौर गाँव को गोद लेने का फायदा तो मिला है, लेकिन 4 साल बाद भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चिनौर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।